हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा, हमारे रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा और एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। और हम आपको बताएंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बाजार में इस समय। सबसे पहले डिम्पी, अगर आप समझा सके कि चाइना की ओर से क्या खबरें आई हैं जिससे इतना बड़ा सेल ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में दिखा है। देखिए, चिंता तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन ये चिंता और गहरा गई जब पीएमआई के आंकड़े आज सुबह आते हुए दिखे। इसमें पीएमआई के आंकड़ों में हमने 10 महीने के निचले स्तरों पर वापस पहुंचते हुए देखा और ये 50 के लगातार नीचे बना हुआ, ये एक मेजर कंसर्न था। और अब इस आंकड़ों ने बाजार का मूड काफ़ी हद तक खराब किया। इससे पहले भी हमने नवंबर सीरीज के फैक्ट्रीज के प्रॉफिट्स के आंकड़े भी आते हुए देखे थे, जो कि 1.5% कम थे। तो कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़े खराब होना, साथ ही पीएमआई के आंकड़े खराब आना, इसने बाजार को काफ़ी हद तक झंझोर के रख दिया। और ना केवल अब चाइना के अंदर बल्कि ज्यादातर एशियन मार्केट्स इसकी चपेट में धीरे धीरे आने शुरू हो गए। इसके अलावा खबर यह भी थी कि 6 और 7 तारीख से अब जो कंपनीज पे सेल ऑर्डर्स पहले जिन पे बैन लगे हुए थे, अब वो भी सेल कर पाएंगे, ये बैन भी हट रहा है। इस तरह की सिचुएशन जहां पे अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर हो और जब ये खबर सामने आती हुई दिखी कि 6-7 तारीख को इन पे बैन हट जाएगा, तो और भी डैमेज होना शुरू हुआ। और इसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है युआन, वो भी लगातार डीवैल्यूएट हो रही है। पहले चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने सहारा देने के लिए डीवैल्यूएट किया था, लेकिन अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से जब करेंसी डिवेल्यूशन हो रही है, उसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स थे। तो ये 4-5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से आज चाइना पूरी तरह से दबाव में दिखा और उसने भारत जैसे बड़े बाजार को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मार यहाँ पर भी पड़ रही है, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और कुछ स्टॉक्स है जिनकी काफी धुलाई हो रही है। आशीष बताइए, अगर इस चाइना इम्पैक्ट को भारत के लिहाज से लिंक करके देखें तो कुछ ऑटो कंपनियों में गिरावट रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मौका भी रहेगा। फिर देखिए, चीन का इंपॉर्टेंस बहुत है ग्लोबल लैंडस्केप की बात करें या फिर हमारे स्पेसिफिक मार्केट्स के लिहाज से, तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा कई सारे इस पॉकेट्स में डंपिंग हो रही थी, यानी कि चीन से बहुत सस्ता इंपोर्ट हो रहा था और उनको धक्का लगा था। और अगर चीन में बाकी हालात फिर से गड़बड़ाते हैं तो और सीरियस डंपिंग होगी। मिसाल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री, हमारे भारत सरकार की तमाम सेफगार्ड्स के बावजूद अभी भी इंडस्ट्री दिक्कतों से जूझ रही है। टायर्स, बहुत सीरियस डंपिंग हो रही थी, हमारे जो भाव हैं उससे डोमेस्टिक जो इंपोर्ट होता है चाइना से 20-25% वहां से टायर सस्ते इंपोर्ट होते हैं। बाइसिकल, टाइल इंडस्ट्री, पेपर, इन सब में बहुत सीरियस डंपिंग हो रही है। इनके चलते टाटा स्टील, हिंडालको, काजारिया सिरामिक्स, निटको टाइल्स, जेके टायर, सीएट जैसी कुछ स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं जिनको आपको यहां से धक्का शायद लगता हुआ नजर आए। यही नहीं, कई सारी ऐसे स्टॉक्स या कंपनीज हैं जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है चाइना में, जैसे आपने मिसाल के तौर पर ऑटो कंपनीज की बात करी थी, टाटा मोटर्स, जेएलआर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री का 30% चाइना से आता था, वो वैसे रिड्यूस होकर 15% कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया है और अब फिर से शायद धक्का लगता हुआ नजर आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स चाइना में बेचती है। एसएल प्रोपैक एक छोटी कंपनी है, लेकिन ध्यान रखें जो ओरल केयर ट्यूब मार्केट है चाइना का, उसका 3% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, तो इसके लिए दिक्कत की बात होगी। वहीं स्लोडाउन के कुछ फायदे हो सकते हैं, कच्चा तेल का डिमांड अगर और कम होती है तो कच्चे तेल में दबाव आएगा, तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनीज के लिए। वीआईपी और बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करती हैं, उनको सस्ते इंपोर्ट का शायद फायदा मिलता हुआ नजर आए। और युआन अगर डिवैल्यू होता है, रुपए को अगर धक्का लगता है, तो फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज या सेक्टर्स जैसे कि आईटी, फार्मा शायद फिर से फोकस में है। चलिए, तो कुछ सेक्टर्स के लिए फायदा रहेगा, लेकिन ज्यादा आज हम देख रहे हैं नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेटल्स पर और ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स पर। अनिल सिंह भी हमारे मार्केट सेलेक्टर हमारे साथ हैं। अनिल बताइए, भारत में ऐसी डेवलपमेंट्स के बीच किस तरह का ट्रेड लिया जाए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एक अग्रेसिव बिकवाली की पोजिशन ले तो ली है, लेकिन क्या यहाँ पर मौका भी रहेगा कुछ तेजी की पोजिशन निचले लेवल्स पर लेने का, या फिर इस समय इन बुरी खबरों के चलते आप सेल साइड में ही रहे तो बेहतर? हर्षदा, ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि चाइना की जो दिक्कत है वो कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। और अगर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है तो उस लिहाज से एक डर ये हमेशा रहेगा कि कल जब चीन के बाज़ार खुलेंगे और अगर फिर से कल चीन के बाज़ार और तेज़ी से गिरे तो, और ऐसे में फिर आप खरीदारी को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। दूसरी बात, आज जो गिरावट हुई है वो किस लेवल से कब हुई? शुरुआत में हम उतना कमजोर नहीं थे, लेकिन 7900 के लेवल को जैसे ही निफ्टी ने तोड़ा उसके बाद गिरावट काफी तेज हुई। उसकी वजह यह थी कि दो दिनों में 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बढ़ा था 7900 के पुट में। तो जैसे ही 7900 टूटा, तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पीछे हाथ खींच लिया, अपनी पोजिशन कम की। अब मेरी नजर उस लिहाज से जिन लेवल्स पर है, पहला लेवल अब 7800 है, क्योंकि 7800 पर 30-32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो अगर हम 7800 को होल्ड कर पाते हैं तब तो ठीक, और वो होना चाहिए संभावना। लेकिन अगर किसी भी वजह से
कल आप 7,800 के नीचे ओपनिंग होते हुए देखें या आज की क्लोजिंग 7,800 के नीचे होती हुई देखें, तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, वो अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे और वो बाजार पर दबाव बना सकती है। तो 7,750-7,800 वो अहम सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास बाजार रुकने चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेज गिरावट आज ना देखें, 0.5% की गिरावट से अमेरिकी बाजार रुक जाए या फिर कल चीन में फिर से बड़ी गैप से नीचे ओपनिंग होती ना दिखे, और इन सब के सवालों के जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो फिर ऐसे में सिचुएशन एक जो बनती है वो ये कि थोड़ा सा हल्के रहें, अपनी पोजिशन को कम करें और इंतज़ार करें एक दो दिन का। अगर इन लेवल्स के आसपास बाजार संभल जाते हैं तब तो ठीक, नहीं तो फिर बाजार के लिए नीचे के रिस्क 7,800 के नीचे जाते ही बाजार के लिए नीचे की रिस्क बड़ी खुलती हुई नज़र आती है। तो थोड़ा सावधान रहना ठीक है, 7,750-7,800 के लेवल पर नज़र बना कर रखें, होल्ड हो जाए तो फिर खरीदारी का मौका देखें, नहीं तो फिलहाल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। फिलहाल स्थिति तो ऐसी लग रही है कि हम 7,800 के नीचे जरूर जाएंगे, 7,817 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। और जैसे अनिल ने भी मेंशन किया कि अमेरिका में क्या होता है उस पर नजर रखनी चाहिए, डाउ फ्यूचर्स इस समय मैंने देखा करीब 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी नरम शुरुआत होने के पूरे पूरे आसार हैं। समर बताइए, अब टेक्निकल ट्रेडर्स को क्या यहां पर एक अग्रेसिव शॉर्ट कॉल लेना ठीक रहेगा? 7,814 पर निफ्टी कर रहा है कारोबार, या फिर वो 7,750 ब्रीच होने के बाद या फिर उसके करीब जब आए तभी बिकवाली करें? देखिए अर्षदा, लास्ट 3-4 दिनों से हम यही एडवाइस कर रहे थे कि ऊपर की तरफ 7,960-7,980 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे एक ट्रेडिंग व्यू से एटलीस्ट सेलिंग साइड पे हम पोजीशन ले सकते थे 8,000 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रख के। हमारा टारगेट था अराउंड 7,870-7,850 के आसपास, वो तो अचीव हो गया है, बट जो मैग्नीट्यूड से ये नीचे आया है कंसिडरिंग एशियन मार्केट का जो फॉल आया है वो एक रब ऑफ इफेक्ट हमने देखा है हमारे मार्केट में भी। हमें लग रहा था कि 7,850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बट वो भी होल्ड नहीं कर पाया। अभी हमारी नज़र की लेवल कोई होगा तो वो 7,780 से लेके 7,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ पे निफ्टी होल्ड करता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे अनिल जी ने बताया यहाँ पे अभी बाइंग साइड पे पोजीशन लेना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको पता नहीं है ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में कैसे मूवमेंट होगी, तो मेरे ख्याल से फिलहाल ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड लाइन्स पे रहिए और निफ्टी को देखिए ये की इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास सपोर्ट ले पाता है या नहीं। अगर नहीं लेता है तो ये वीकनेस और बढ़ेगा ऊपर की तरफ, अभी 7,850-7,880 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जब भी निफ्टी ये लेवल क्रॉस कर पाएगा उसमें हम थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए देख सकते हैं, अदरवाइज फिर ये लोअर एंड जो रेंज अभी बन चुकी है वो कंटिन्यू रहेगी। चले तो यहाँ पर क्लियरली उन लेवल्स पर ध्यान देना बहुत अहम है कि 7,750 को बाजार होल्ड कर पाता है या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मार अगर एक स्टॉक पर पड़ी है आज इस चाइना इंपैक्ट पर, वो है टाटा मोटर्स, 6% से ज्यादा टूट गया है। आशीष बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना का बाजार, क्योंकि JLR के नंबर्स हमने देखा है पिछले 6-8 महीनों में लगातार नरम रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट पर आज इतना स्टॉक क्यों टूटा है? मूड बिगड़ गया है। ध्यान रखें, आपने जैसे स्पेसिफिक हाईलाइट करा, टाटा मोटर्स इस समय डोमेस्टिक प्ले नहीं, JLR से बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन आता है और चाइना से नंबर्स लगातार रिड्यूस हो रहे हैं। मैं ईयर ऑन ईयर नंबर्स देख रहा था तो चाइना जो टाटा मोटर्स की कुल बिक्री है, जैसे मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था 30% के आसपास पहले वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, उसके बाद अब महज 15% के आसपास रह गया। और अगर वहाँ पर डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था चरमराती है क्योंकि वहाँ पर रिटेल बहुत ज़्यादा मार्केट स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट है तो वहाँ पर डिमांड कम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा चीप सिमिलर तरह के मॉडल जो मार्केट में उतर रहे हैं वो और धक्का दे रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के लिहाज से लो लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी आई थी, बड़े दिग्गज निवेशक घुसते हुए नजर आए थे और अब जब चाइना से फिर से दिक्कतें सामने आ रही हैं तो शायद बड़ी तगड़ी मुनाफा वसूली का दबाव इस समय झेल रहा है। मेरे ख्याल से 6-6% के आसपास स्टॉक और DVR दोनों कमजोरी के साथ आज इसीलिए कामकाज कर रहे हैं। जी हाँ, काफी मार पड़ी है इन दोनों ही स्टॉक्स पर। आप टाटा मोटर्स देखिए 6% नीचे और टाटा मोटर्स का DVR भी वहां पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा गिरावट है। अब ट्रेड के लिहाज से समित क्या आपको दिख रहा है चार्ट पर, कितनी और मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? 277 पर टाटा मोटर्स आ गया है समय, क्योंकि इसके जो दिसंबर के लोज है 360 के आसपास वो लेवल तो एक बार रिटेस्ट होंगे क्योंकि जो फॉल आया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 425-430 टुवर्ड्स 360 वो प्रिसाइसली रिट्रेस हो गया अराउंड 400-405 के, और उसके बाद ये फॉल स्टार्ट हुआ है। सो एटलीस्ट जो लो बना था अराउंड 360 के आसपास वो एक बार रिटेस्ट हो सकता है, वो होल्ड कर पाएगा कि नहीं वो अभी बोलना डिफिकल्ट होगा। अगर 360 होल्ड कर पाया तो ये हायर साइड पे एक बाउंस देख सकते हैं या फिर वीकनेस 360 के नीचे और होगा। तो अगर ऑलरेडी किसी की शॉर्ट पोजिशन है यहाँ पे बने रहना चाहिए, 364 से लेकर 360 के लेवल आने वाले 2-3 दिनों में इसमें दिख सकते हैं।
चले तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे, 364 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में, और 277 टाटा मोटर्स का DVR का प्राइस है। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही काफी नर्म दिख रहे हैं। शुक्रिया आशीष, अनिल, डिम्पी, आप सभी का। समय से हम आगे चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि बाजार के जानकार चीन को लेकर क्या कह रहे हैं। उनकी ओर से भी काफी ज्यादा चिंता है, जरूर है, हालांकि वो भी कुछ साफ साफ कह पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। कोटक महिंद्रा AMC बैंक के MD और CEO नीलेश शाह ने कहा है कि चीन ऐसा नारियल है इसका किसी को पता नहीं। आने वाले साल में चाइना किस तरह से बिहेव करेगा, क्या वो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए बाकी कंट्रीज में डंपिंग करेगा, क्या वो अपनी इकोनॉमीज को संभालने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसी टेक्निक करेगा। सो चाइना एक ऐसा नारियल है जिसके अंदर कितना पानी है वो हमें मालूम नहीं है। सो चाइना और ये इमर्जिंग मार्केट फ्लोस, ये दोनों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, और उनकी एक इम्पैक्ट भारतीय मार्केट के ऊपर आ सकती है। डबल वैमी जो बोलते हैं वो हुआ है चाइना में। पहली बात तो वैसे भी फिस्कल पॉलिसीज के द्वारा जो उन्होंने रेमिनबी या युआन को फिक्स किया था, इसका झटका ऑलरेडी मार्केट को लग चुका था। ये 4.5 या 5 साल से सबसे लो हुआ है। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट एट 6.5 टू द डॉलर। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उनकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अगर आप देखें तो इट्स हॉरेंडसली लो। आपकी फिस्कल पॉलिसीज ने आपको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथनिंग किया है, एंड प्लस मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अगर ये कम है तो चाइना के साथ जितनी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जैसे कि जापान को सोच लो या फिर इंडोनेशिया को सोच लो, उन्होंने भी मार खाई है। चले तो यहाँ पर चाइना की दिक्कतें जारी रह सकती है, ये जानकारों का मानना साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच बाजार में जिस तरह का मूड है वो भारी बिकवाली का ही है। अब 473 अंकों की गिरावट सेंसेक्स दिखा रहा है, और निफ्टी फिसल रहा है तेजी से 7,800 की तरफ। इस बीच आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस समय अगर आपने एक ट्रेड लेना है वो क्या हो, हर रोज की तरह हम आपके लिए पेश कर रहे हैं तत्काल ट्रेड। तो इस समय का तत्काल ट्रेड अनडाउटेडली एक सेल साइड की पोजीशन ही है। हिंडाल्को बेचने की सलाह यहाँ पर मनोज सचदेव दे रहे हैं। टारगेट रहेगा 78 रुपए का, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेड में 84 रुपए के भाव पर। तो हिंडाल्को जो आज वर्स्ट हिट में से एक है, सबसे ज्यादा गिरावट मेटल्स में इसी में देखने को मिली है, और टूटेगा शेयर, आप बिकवाली करें इस समय। ऐसे ही कुछ और आइडियाज आपके लेकर आएंगे, साथ ही आपको बताएंगे जो बैंक निफ्टी का हाल है उससे क्या अंदेशा मिल रहा है, क्या यहाँ पर एक नई शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और साथ ही हमने टाटा मोटर्स की बात की, लेकिन बाकी ऑटो कंपनियों का क्या हाल है, ऑटो बिक्री के आंकड़े लगभग पूरे आ चुके हैं, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए क्षेत्र में, इस पर भी लेंगे राय समित की ब्रेक के बाद। बाजार तेजी से फिसल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी में भारी भरकम दबाव, और बैंक निफ्टी का हाल देखिए ये और भी खराब है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दी है। वो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। बैंक निफ्टी को लेकर कुछ लोग पिछले हफ्ते तक तो बुलिश थे समित, लेकिन इस सेल ऑफ के बाद आई एम श्योर द टेबल्स हैव टर्न्ड। क्या बैंक निफ्टी बेचना सही है, या फिर आपको लग रहा है SBI, PNB, BOB जैसे स्टॉक्स में बिकवाली करेंगे तो वो शॉर्ट पोजिशन में ज्यादा पैसा बनेगा, क्या करें? देखिए अर्षदब, जैसे हमने अभी निफ्टी की बात की, निफ्टी को अराउंड 7780 के आसपास सपोर्ट है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 16580 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो देखना पड़ेगा ये सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेक होता है कि नहीं। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो हम इमीडिएटली 250 से 300 पॉइंट का फॉल उसमें देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ऑलरेडी किसी ने शॉर्ट नहीं किया, एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में थी जब ये 16950 के नीचे स्लाइड हुआ था, तब एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। अभी यहाँ पे फिलहाल तो ये सपोर्ट के आसपास है, तो अगर 16580 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर पाता है बैंक निफ्टी तो ही शॉर्ट की पोजिशन लेनी चाहिए। अदरवाइज जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो अपनी पोजिशन यहाँ पे थोड़ी कवर कर सकते हैं, और वेट कीजिए जब भी ये लेवल टूटे तो ही इनिशिएट करना, अदरवाइज मेरे ख्याल से फिर बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टू निफ्टी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। 16,580 ये लेवल्स आते हैं तभी आप बिकवाली में उतरिएगा, इस समय बिकवाली से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी पर यही हाल है, फिलहाल लगभग 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऑटो काउंटर्स दिसंबर में अच्छी बिक्री के आंकड़ों के बाद अशोक लेलैंड आयशर में आज हमने देखा है
तेजी देखने को मिली है, भले ही पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन खराब नतीजों के नंबर्स के बावजूद हम देख रहे हैं हीरो मोटो और एस्कॉर्ट्स पर भी दबाव दिख रहा है। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा अब दिसंबर के महीने में इन सभी कंपनियों का? डिम्पी कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। डिम्पी बताइए, क्या कह रहे हैं आंकड़े? देखिए, आंकड़े ये कह रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प के जो सेल्स की फिगर आई दिसंबर की, उसने काफ़ी हद तक निराश किया ऐसा, इसलिए इसको आज पनिशमेंट मिल रही है। और ये जो आंकड़े हैं वो करीब 5% डाउन रहा इसकी कुल बिक्री का, और ये घटकर अब 5 लाख हो गए यूनिट के हिसाब से। एस्कॉर्ट्स के आंकड़े, डोमेस्टिक ट्रैक्टर की बिक्री भी घटी है और ग्लोबल ट्रैक्टर की बिक्री में भी इसका नुकसान हमने आते हुए देखा। कुल मिला के 9.5-8% के आसपास इसके ट्रैक्टर की बिक्री घटी है, इसलिए एस्कॉर्ट्स को भी आज पूरी तरह से पनिशमेंट मिल रही है। टाटा मोटर्स के एक्सपेक्टेड ही था कि आंकड़े खराब आएंगे, ऊपर से जो चाइना का डेंट इसको लगा है आज, ये और इसके साथ आप कह सकते हैं इसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोनों को क्लब करते हुए देख सकते हैं टाटा मोटर्स के आज आपको आंकड़े दिख रहे हैं। और साथ ही टीवीएस मोटर्स, यहां पे देखें आपको थोड़ा सा फ्लैट ही दिखेगा क्योंकि रिजल्ट भी ऑलमोस्ट फ्लैट आया, ना इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कहेंगे ना इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसको टोटल में देखेंगे तो शायद टाटा टीवीएस मोटर्स कुछ हद तक पॉजिटिव रहा क्योंकि एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ ज्यादा घटा नहीं, इनका मामूली 0.5% का ही नुकसान आते हुए दिखा। लेकिन अशोक लेलैंड और आइशर मोटर्स ने अच्छा आंकड़ा इसलिए दिखाए क्योंकि चेन्नई में जो बारिश हुई थी उसका इंपैक्ट इन्होंने झेल लिया और दोनों की बिक्री के अंदर अच्छा उछाल दिखा। आइशर मोटर 5% 41% और अशोक लेलैंड 41% ऊपर रहा। शुक्रिया डिम्पी जानकारी के लिए। बताइए, क्या इन दोनों में तेजी की जाए, अशोक लेलैंड और आइशर उस लिहाज से समेत? देखिए अर्चना, आइशर मोटर्स हम क्लोजली ट्रैक नहीं करते कंसीडरिंग इट्स मूवमेंट। यस, अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बना है अराउंड 84-88 के आसपास, आज उसने एक गैप अप ओपनिंग दी है, तो मेरे ख्याल से आज के क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये आज 91 के ऊपर क्लोज देता है तो कल मॉर्निंग में इसमें पोजीशन ली जा सकती है बाइंग साइड पे फॉर अ टारगेट ऑफ 95-97 के, और फिर एक स्टॉप लॉस 87.50 का मान के चल सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर अशोक लेलैंड में ट्रेड करना है तो आज के क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए, 91 के ऊपर रहता है तो कल फर्स्ट हाफ में इसमें एक पोजिशन इनिशिएट की जा सकती है। शुक्रिया समित हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये फिलहाल राय आती हुई इन ऑटो कंपनियों पर, अशोक लेलैंड में यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी का मौका जरूर दिख रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद रुक करेंगे दिल्ली का और रोहन बताएंगे ऑड इवन का, आज जो असल टेस्ट है छुट्टियों के बाद स्थिति क्या दिख रही है। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।